साथियों नमस्कार। आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं। एक मित्र ने हमें कमेंट करके पूछा था कि जब बारिश का समय हो तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी बारिश या तूफान के समय में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार से अपनी मधुमक्खियों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों आपके लिए बहुत सारी जानकारी रहेगी इस वीडियो के अंदर और बहुत ही उपयोगी है। साथियों आजकल जैसे बारिश का सीजन शुरू हो गया है तो बहुत सारे बी कीपर्स जो हैं वो हैरान परेशान रहते हैं कि बारिश के समय में कहीं हमारी मधुमक्खियों का नुकसान ना हो जाए और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है जो आपकी मधुमक्खियों को बचा सकता है और आपको होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। तो साथियों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो साथियों आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को और जानते हैं कि किस प्रकार की सावधानियां आप सब बारिश के समय में रख सकते हैं। तो साथियों सबसे पहली आपने जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो कैसे स्थान पर रखी हुई हैं। बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो पहले से ध्यान नहीं देते हैं या बारिश के समय में इसी बात का ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहीं उनकी जो जगह है जहाँ पे उनकी एपायरी रखी हुई है वो कहीं निचले स्थान पे तो नहीं है या कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे थोड़ी सी बारिश होगी और आपकी जो बी कॉलोनी है वो बारिश के पानी में डूब जाएगी। तो साथियों इसका ध्यान रखते हुए आपने ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी जो एपायरी है वो निचले स्थान पे ना होकर के ऊंचे स्थान पर हो, जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो या ज़्यादा भी बारिश हो तो वहाँ पे आपकी मधुमक्खियाँ जो है पानी में ना डूबे। अगर मधुमक्खियाँ पानी में डूब जाएंगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपकी मधुमक्खियाँ मर जाएंगी और बारिश का टाइम ऐसा होता है कि आप सब उस चीज़ की रिकवरी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय मधुमक्खियों को माइग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए समय से पहले आप सब माइग्रेशन करें ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो सुरक्षित रह पाएं। वो मधुमक्खियों की जो कॉलोनी है जो उसका जो बॉक्स है उसके नीचे आपने स्टैंड लगा करके रखना है। बिना स्टैंड के आपने मधुमक्खियाँ नहीं रखनी है क्योंकि स्टैंड पे होने पे छोटी बहुत जो बारिश होती है उसका कोई असर नहीं होता। तो स्टैंड को कोशिश करें कि थोड़ा सा ऊँचा हो और साथियों कोशिश करें कि आपका जो स्टैंड है वो दलदल वाली जगह पे ना हो, ऐसा ना हो कि तरह सी बारिश हुई और नीचे की मिट्टी जो है वो गीली होने की वजह से आपके जो बी बॉक्सेस हैं जो कॉलोनी आपने रखी हुई है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होते ही जब आपके सुपर के बॉक्स होते हैं तो ज़रा सा भी टेढ़ा हुआ तो वो नीचे गिर सकता है और उससे जो बारिश होगी तो उससे सारे के सारे जो छत्ते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो सकते हैं। तो साथियों हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बी कॉलोनी है उसका जो डिब्बा है उसके चारों तरफ जो भी लीकेज आपको दिखाई देती है उस सारी लीकेज को आपने ख़त्म करना है और जब तक आपकी लीकेज ख़त्म नहीं होगी आपकी मधुमक्खियां बिल्कुल भी सेफ नहीं रहती, क्योंकि बाहर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं सभी को अपना एक छुपने की जगह चाहिए होती है बारिश में। तो मधुमक्खियों के जो डिब्बे होते हैं वो छुपने की बहुत अच्छी जगह होती है जिसमें नीचे भी छुपा जा सकता है अगर उनको जगह मिलती है कीड़े मकोड़ों को, तो वो अंदर भी घुस सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप कवर होता है उसके नीचे बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उस बीच में। तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी लीकेजेज हैं वो सारी की सारी आपकी बंद होनी चाहिए। और साथियों इसके अलावा वेंटिलेशन का आप सब प्रॉपर ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आपकी मधुमक्खियाँ बारिश के समय में बाहर नहीं जा पाती तो अंदर जो है बी कॉलोनी के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रबंध नहीं है तो आपकी मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है, आपकी मधुमक्खियां परेशान होंगी। इसके अलावा साथियों आप सब ने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो अपैरी जहां पे रखी हुई है उनके आसपास की जो भी जगह है जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा उगा हुआ है जो नेचुरली पौधे उग जाते हैं ऐसी सारी जगह जो भी होती है उन सभी चीज़ों को आपने ख़त्म करना है, यानी साफ सफाई का ध्यान रखना है। आसपास नीचे जो घास फूस वगैरह होता है जो उगा होता है जंगल में अगर कहीं रखा हुआ है तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि आपने जब विजिट करना है तो उस समय भी आपको साफ सफाई की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी कूड़ा कबाड़ा है वो सारा का सारा आपने ख़त्म कर देना है। तो साथियों इसके अलावा आपने और किस चीज़ का ध्यान रखना है,
कि मधुमक्खियों के पास अगर प्रॉपर खाने की व्यवस्था है उस समय में तो ठीक है, अगर खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था का मतलब है कि नेक्टर बाहर से नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार हफ्ता हफ्ता लगातार बारिश होती रहती है, तो मधुमक्खी आपकी जो है बाहर नहीं जा पाती, उसकी वजह से अंदर जो मधुमक्खियों को खाना तो चाहिए होता है, तो उसकी कमी की वजह से भी मधुमक्खियां जो है वो मरनी शुरू हो जाती हैं। तो साथियों आपने क्या करना है, फीडिंग का प्रबंध करना है। शुगर सिरप आप सब दे सकते हो 1:1 के अनुपात में, यानी 1 किलो चीनी है तो 1 किलो आपने पानी लेना है, उस अनुपात में आपने शुगर सिरप देना है। और साथियों शुगर सिरप जो है वो आपने अंदर ही देना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुगर सिरप की जो फीडिंग है वो हम बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर अगर हम फीडिंग करते हैं तो उससे रोबिंग का खतरा बढ़ जाता है। और साथियों कोशिश करेंगे कि जो भी फीडिंग आप करें उस समय में वो देर शाम को हो, और ध्यान रखें कि आपकी जो मीठा है, जो सिरप है, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि नीचे गिरेगा तो उससे मधुमक्खियां आकर्षित होंगी और उससे जो बाहरी और भी जो मधुमक्खियां हैं उनका अटैक हो सकता है, तो इस चीज़ का साथियों हम ध्यान देंगे। वैसे तो साथियों मधुमक्खियां जो हैं सही समय पे अपने खाने का भी इंतजाम रखती हैं, बारिश का सीजन आने से पहले मधुमक्खियां अपने जो लीकेजेस होती हैं उनको बंद कर देती हैं स्वतः ही प्रोपोलिस के जरिए, और ताकि उनका जो बी हाइव्स हैं वो सारे सारे सेफ्टी के साथ रह सकें। इसके अलावा भी जो लीकेजेस होती हैं उन सभी को मधुमक्खियां जो हैं वो पहले से ही सेट कर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो आपने ध्यान रखना है। एक और विशेष चीज़ का साथियों ध्यान रखना है आपने, कि जो बॉटम बोर्ड है उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ करना है, और बॉटम बोर्ड साफ करने के लिए अगर आपके पास सुपर बॉक्स है या नीचे का जो बॉटम है वो अगर सेपरेट कर सकते हो आप, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको सेपरेट करके उसको धूप लगा सकते हैं, क्योंकि साथियों बारिश का समय आता है उसी समय पे वैक्स मॉथ का भी अटैक होता है, और वैक्स मॉथ जो है वो ह्यूमिडिटी और जो नमी के वातावरण में ही पैदा होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे साथियों कि आपका जो बॉटम बोर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा रहे। साथियों कॉलोनी को कमज़ोर ना होने दें, और जो कमज़ोर कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को आपस में मर्ज कर दें, क्योंकि कमज़ोर कॉलोनी जो है वैसे ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, क्योंकि कमज़ोर कॉलोनियां जो हैं उनके अंदर बहुत सारा खाली स्थान होता है, और उस खाली स्थान में जो वैक्स मोथ है या और जो भी जीव हैं उसके अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं। तो साथियों कोशिश करें कमज़ोर कॉलोनियां हैं उनको मर्ज कर दें और कॉलोनियों को हमेशा स्ट्रांग ही रखें। तो साथियों ये थी आज की जानकारी, आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।